कोरोना का एक और नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। जी हां, फिनलैंड में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। एक रिसर्च में इस वेरिएंट को दक्षिण अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन का म्यूटेशन बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि ये वेरिएंट वैक्सीन का असर कम कर सकता है। इससे पहले ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ चुका है। आपको बता दें कि फिनलैंड की एक प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन खोजा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन DUBWIN796H की पहचान दक्षिण फिनलैंड में की गई है। आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार वीटा प्रयोगशालाओं और हेलसिंकी विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के एक संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि नया स्ट्रेन सभी PCR टेस्ट में सामने नहीं आ सकता है। स्टडी के अनुसार FIN796H दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में पहले से पाए गए सभी स्ट्रेन से काफ़ी अलग है। बयान में कहा गया है, इसकी विरासत में दुनिया में पहले से मौजूद व्यापक वेरिएंट की तरह ही विशेषताएं हैं, लेकिन यह किसी भी ज्ञात वेरिएंट की वंशावली से संबंधित नहीं है। शोधकर्ता का मानना है कि नया स्ट्रेन फिनलैंड के बाहर से आया होगा, क्योंकि देश में कोरोना के मामलों की संख्या काफ़ी कम है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कोरोना के वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ टीके कितने प्रभावी होंगे। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि नए वेरिएंट से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे लेकर चिंता करने वाली बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इस वेरिएंट से सिर्फ एक मरीज संक्रमित मिला है। वहीं एक अन्य रिसर्च में बताया गया है कि नया वेरिएंट अन्य स्ट्रेन की अपेक्षा 30-70% ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।